नमस्कार, मैं प्रेम शंकर तिवारी भूगोल गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूँ। इस समय मैं अपने पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी RBS कॉलेज आगरा का एजुकेशनल टूर लेकर के नैनीताल आया हुआ हूँ। यहाँ पर हम सभी ट्रैकिंग करते हुए नैना देवी पीक पर पहुँचे तो यहाँ गंदगी को देखकर बहुत निराशा हुई और स्टूडेंट्स ने यहाँ पर सफाई अभियान चलाया। देखिए, इस एरिया में जो बच्चों के हाथ में बोतल है, लोग यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं और बोतल फेंक के चले जाते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर सफाई अभियान चलाया है। जहाँ जहाँ बोतल दिखाई दे रही है, हमारे स्टूडेंट्स बोतल को कलेक्ट कर रहे हैं और प्रॉपर जगह पर जा करके जहाँ डस्टबिन है वहाँ डालेंगे। ये जो पहाड़ है, जंगल है, ये हमारे पर्यावरण को, धरती पर जीवन को रखने में, बनाए रखने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज जो डेवलपमेंट का मॉडल है उसमें प्लास्टिक का यूज बहुत बढ़ गया है। टूरिस्ट लगभग सभी जगहों पर पहुंचने लगे हैं। उसका रिजल्ट ये है, इन इन्वायरमेंटली सेंसिटिव एरिया में भी पॉल्यूशन का लेवल बहुत बढ़ गया है। हम तो बार बार यही आग्रह करेंगे कि आप सभी जागरूक रहें, जो भी आए, और अपने पर्यावरण को बचाने के लिए प्लास्टिक मुक्त करना बहुत जरूरी है। हमारी छोटी सी सावधानी, छोटी सी पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी, ये जरूर है। आ जाओ बेटा, उधर गिर ना जाओगे किनारे पर। देखिए, ये छोटा सा एक प्रयास है, आपको दिखाने का पर्पज सिर्फ इतना है कि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। देखिए, बच्चे इकट्ठे कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और पर्यावरण को बचाने में हमारा कंट्रीब्यूशन है। जो भी आए इस एरिया में या और कहीं भी जाए, प्लास्टिक का यूज कम से कम, गंदगी कम से कम करें। हम पर्यावरण को बचाने में और क्या योगदान दे सकते हैं इंडिविजुअल लेवल, सिर्फ यही कि गंदा ना कर। देखिए, गंदा ना कर, लेकिन पता नहीं क्यों हम सभी के हैबिट में गार्बेज को कहीं भी फेंक देना, पानी की बोतल को कहीं भी फेंक देना, प्लास्टिक के वेपर्स को कहीं भी फेंक देना है। हिमालयन रीजन, और मुझे और कई जगह भी जाने का मौका मिला, गंगोत्री, यमुनोत्री, वहां तक कि प्लास्टिक पहुंच गया, प्रदूषण पहुंच गया है। अगेन एंड अगेन मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप लोग पर्यावरण को प्लास्टिक मुक्त करने में अपना योगदान दें। ये हमारे भूगोल विभाग RBS कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के बच्चे हैं और इस जगह पर आकर के इन सबके प्रति मैं आभारी हूँ कि इन्होंने पर्यावरण के प्रति ये सेंसिटिविटी दिखाई और यहाँ के पूरे इस नैनी पिक के एरिया में करीब 1 घंटे का अभियान चला करके यहाँ के जो मेन एरिया है उसको प्लास्टिक मुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं डिपार्टमेंट की तरफ से, अपनी तरफ से, RBS कॉलेज की तरफ से इन सभी स्टूडेंट्स का शुक्रिया अदा करता हूँ।